नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर लगातार तैयारियां जारी हैं। इसी बीच आयोग ने पंचायत चुनाव के दो चरणों को सफलतापूर्वक पूरा करवा लिया है, साथ ही अब तीसरे चरण के मतदान की तैयारी हो रही है। इसी बीच अब राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर एक और बड़ी जानकारी साझा की है, जिसके तहत अब इस श्रेणी में आने वाले लोगों को चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिया जाएगा। आलम यह होगा कि इन्हें तो पंचायत चुनाव से वंचित रखा जाएगा ही, साथ ही इनके रिश्तेदारों को भी मैदान में उतरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर पंचायत चुनाव में अब जाकर किन उम्मीदवारों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। तो हम आपको बता दें कि आयोग ने यह साफ किया है कि पीडीएस डीलर अपने या उसके नजदीकी रिश्तेदार पंचायत चुनाव लड़ेंगे तो उनका राशन दुकान चुनाव अवधि तक बगल के डीलर में टैग किया जाएगा। इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग उपचुनाव ने खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव को पत्र भी भेज दिया है, साथ ही साफ निर्देश दिया है कि पंचायत चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से करवाया जाए। यही कारण है कि पंचायत चुनाव में डीलर अपने या सगे संबंधी अभ्यर्थी होंगे तो चुनाव भर उनके राशन दुकान को बंद कर आसपास के दुकान में उसका टैग किया जाएगा। अब सवाल यह है कि जब चुनाव की तैयारियां हो रही है और दो चरणों के चुनाव परिणाम की घोषणा भी हो गई है, तो ऐसे में अब जाकर क्यों राशन डीलरों के पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक लगाई गई है। तो हम आपको बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग पटना उप सचिव ने बताया कि ऐसी शिकायतें लगातार आ रही हैं कि पीडीएस डीलर अपने स्वयं या नजदीकी रिश्तेदार पंचायत आम चुनाव लड़ रहे हैं। उक्त पीडीएस डीलर द्वारा अपने या रिश्तेदार के लिए वोट मांगे जा रहे हैं। उक्त डीलर अपने पैसे से अनाज खरीद कर मुफ्त में वितरण कर रहा है, जो कि हर रूप में चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन है, जिसके बाद ही मामला संज्ञान में आया और संज्ञान में आते ही राज्य निर्वाचन आयोग ने उक्त फैसला सुनाया है। साथ ही सभी राशन डीलरों से यही उम्मीद की है कि पंचायत चुनाव तक आयोग की तरफ से जारी किए गए नियमों का पालन करें। हालांकि जहां एक तरफ राज्य निर्वाचन आयोग के इस फैसले से अन्य प्रत्याशी खुश हैं, वहीं दूसरी तरफ राज्य निर्वाचन आयोग उप सचिव का पत्र सोशल मीडिया पर देखने पर पंचायत चुनाव अपने या पुत्र पति पिता के चुनाव लड़ने वाले में हड़कंप मच गया है। आलम कुछ यूं है कि वैसे पीडीएस डीलर की दिन भर अनुमंडल कार्यालय में चक्कर लगाते हुए देखा जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार में पंचायत चुनाव का आयोजन लगातार करवाया जा रहा है। दो चरणों की वोटिंग की प्रक्रिया समाप्त हो गई है, वहीं तीसरे चरण के लिए वोट 8 अक्टूबर को डाले जाएंगे, जिसके बाद अब उम्मीद यही जताई जा रही है कि आने वाले समय में राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी किए गए नियमों का पालन सभी पीडीएस डीलर जरूर करें। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।